नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के 35 ईयर्स क्वेश्चंस को, जिसके इंटरनली हम क्लास 11th के यूनिट 3rd को देखेंगे, जिसके इंटरनली 3 चैप्टर्स आते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूनिट 1st एंड यूनिट 2nd कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम 3rd यूनिट के 3 चैप्टर्स सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को देखेंगे, उसके बाद फिर हम बायो मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे, देन हम लास्ट में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर्स को। सो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट PYQ को देखेंगे, जो कि आपके नीट एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि बहुत सारा क्वेश्चन PYQ के रिपीट होते हैं प्रत्येक ईयर, तो इस चैप्टर से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज है, मतलब कि 30 मार्क्स तो आपके यहाँ से पक्के हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो इसको हम टॉपिक वाइज देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट जो टॉपिक है सेल के बेसिक पे आता है क्वेश्चन, तो उस फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक। जैसे यहाँ पे द सेल एक टॉपिक हो गया और इससे क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब कि फ्लो बताना है वाटर का कहाँ पे, इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो पता आपको ऐसा होना चाहिए, जैसे प्लांट जो सेल होता है उसके अंदर में जाइलम और फ्लोएम आपने पढ़ा होगा, तो जाइलम और फ्लोएम जो होता है, तो जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वही वाटर को कंटेन, मतलब कि एक डायरेक्शन में फ्लो करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे वाटर विल फ्लो इन द बोथ डायरेक्शन, नहीं दोनों डायरेक्शन में नहीं हो सकता, जो यूनिडायरेक्शनल होता है एक ही डायरेक्शन में जाता है। वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, नहीं सेल के बाहर तो जाएगा ही नहीं, एंड वाटर विल फ्लो इन टू द सेल, ये सही है। नो फ्लो ऑफ वाटर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है। दूसरा फिर हम अपना क्वेश्चंस देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लेसिथिन, लेसिथिन के मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपको बताना है, तो ये फॉस्फोलिपिड होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट 2019 का है। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टेटमेंट है जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया था, तो उस साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो नाम के जो साइंटिस्ट थे वो इंडिया के नहीं थे, वो दूसरे कंट्री के थे, और वो अपने नेटिव लैंग्वेज को यूज किए थे सेल को डिस्कवर करने के लिए रिगार्डिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के रिगार्डिंग उन्होंने क्या बताया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, तो वो उनके गाँव का कथन है। ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि प्रत्येक जो सेल होते हैं ना, वो अपने पहले के प्रेजेंट सेल से ही डिवीजन होकर बनते हैं। ठीक है, तो ओमनी सेलुला ई सेलुला इज प्रपोज्ड बाई रुडोल्फ विर्चो। ओके, ये भी 2019 में। तो तीन तीन क्वेश्चन यहाँ से इस सिर्फ टॉपिक से आ गए। ठीक है, अब फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर ऑफ द सेल, दिस इज पोटेशियम। ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन है। अगेन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, मतलब इनमें से कौन प्रोकैरियोट नहीं है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट नहीं होगा तो क्या होगा, यूकैरियोट होगा ना। अब प्रोकैरियोट कहने का मतलब है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट होता है। ठीक है, तो उसको प्रोकैरियोट बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉस्टोक एक प्रोकैरियोट होता है। ठीक है, क्योंकि छोटे सेल होते हैं। उसके बाद माइकोबैक्टीरियम, ये भी प्रोकैरियोट है। ऑस्किलेट्रिया, ये भी प्रोकैरियोट है। लेकिन सैक्रोमाइसिस एक फंगी होता है, और आपको पता है कि फंगी जो होता है वो यूकैरियोटिक है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया सेल को कौन स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, तो ये हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। सेलवल तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सेलवल क्या होता है, आउटर कवरिंग लेयर होता है प्लांट सेल के। ठीक है, लेकिन यहाँ बैक्टीरिया सेल, और बैक्टीरिया सेल में ग्लाइकोकैलिक्स जो होते हैं वही स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो बैक्टीरिया सेल वाली इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये तो बिल्कुल सही कही जा रही है। पिल्ली एंड फिम्ब्रियाई, इसको पिलाई भी लोग पढ़ते हैं, सो पिल्ली एंड फिम्ब्रियाई आर मेनली इन्वॉल्व मोर्टिलिटी एंड बैक्टीरिया सेल, नहीं मोर्टिलिटी कैसे हो सकता है, यहाँ पे नॉन मोटाइल होता है वो चीज़। ठीक है, मोर्टिलिटी शो नहीं करता है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया लैक फैलिसिलेट एंड सेल, ये सही है। माइक्रोप्लाज्मा इज वेल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी बिल्कुल सही कही जा रही है। ठीक है, तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, ये नीट 2016 का है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड द होस्ट टिश्यू आर, दिस इज फिम्ब्रियाई।
ठीक है। उसके बाद फिर ये AIPMT अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोट, मतलब प्रोकैरियोट में फिर से नहीं पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक में होगा। तो प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर से राइबोसोम, मिसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता। ये किस में होता है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में। यूकैरियोट कौन कौन से होते हैं, तो एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगी, ये सब कुछ होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, ये प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल, दिस इज विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं ये गलत है, विद न्यूक्लियस, ये भी गलत है। उसके बाद अंडरगोज डिवीजन, नहीं विदाउट सेल वॉल, हाँ ये जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं सेल के उसके अंदर में सेल वॉल नहीं होता है, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उसी में से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट है, तो इन सारे स्टेटमेंट में आपको चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है, सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय द पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट, तो ये बिल्कुल ही मतलब गलत है, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं वो पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन मेकअप 60-70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, नहीं ये बिल्कुल गलत है। लिपिड अरेंज इन द बाई लेयर प्रोलर टुवर्ड्स द इनर पार्ट, दिस इज इनकरेक्ट। फ्लूइड मोजाइक मॉडल आर द मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाई सिंगर एंड निकोलसन, हाँ ये सही है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल को किसने दिया था, तो आपको पता है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल को सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, है ना, ये एनसीईआरटी का लाइन है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, मतलब कि इनमें से कौन यूकैरियोटिक नहीं है, ठीक है। तो ई कोली जो होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं, तो यही सही हो जाएगा, बाकी सारे यूकैरियोट हैं। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज द कैटलिट इन द बैक्टीरिया सेल, दिस इज नोन एज 23 sRNA, ठीक है, sRNA। अगेन फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल इन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, दिस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पता है AIPMT में पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे हम देखेंगे क्या कह रहा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, दिस इज नोन एज प्रोटीन एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंसिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मिडिल लैमिला इज मेनली कंपोज्ड, अब मिडिल लैमिला जो होते हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, तो मिडिल लैमिला जो होते हैं वो सीमेंटिंग लेयर होते हैं और वो कैल्शियम पैक्टेट के बने होते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा आर, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है ना वो एक कनेक्शन करता है एडजेसेंट सेल के अकॉर्डिंग, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्लूइड मोजाइक मॉडल पे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो होते हैं वो एक सेल मेम्ब्रेन होते हैं, उसी में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा है वाइल लिपिड आर रैपिडली फिलीफॉर्म प्रोटीन कैन नॉट, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ लिपिड एंड प्रोटीन कैन फिलीफॉर्म, ये गलत है, मतलब कि आपको जब फ्लूइड मोजाइक मॉडल आप पढ़ेंगे तो आपको ये वाले लाइन वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ क्या कहा जा रहा है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल पे ही है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल को किसने दिया, या फिर उसमें तो वही चीज़ है फिर से जो हमने अभी बताया था, प्रोटीन कैन अंडरगोज फिलीफॉर्म मूवमेंट एंड लिपिड बाइलेयर, ठीक है, तो दिस इज द इनकरेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द मेन डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव रिसाइड इन देयर, सो दिस इज नोन एज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और फ्लैजिला, ये सब नहीं होते हैं, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड फ्रॉम द बाई मॉलिकुलर लेयर इन द मिडिल पार्ट, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। DNA मेनली फाउंड इन, DNA कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के इंटरनली यहाँ पे पाया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन है जो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट है, फिर कुछ और क्वेश्चन है जो कि अभी हम देखते हैं। तो जैसा कि कुछ यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि नेम द स्लाइडन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विद, स्लाइडन और स्वान किस चीज़ को एसोसिएट करते हैं, तो सेल थ्योरी को एसोसिएट किए हुए थे स्लाइडन और स्वान, दो साइंटिस्ट ने मिलकर के, सबसे पहले स्लाइडन ने किया था फिर स्वान ने किया था। स्लाइडन जो थे वो मतलब कि किस चीज़ के बारे में बताए थे, तो स्लाइडन जो थे उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था, बोटनी के क्षेत्र में बताया था, और स्वान जो थे वो जूलॉजी के क्षेत्र में बताया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे,
जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं सेल वाल शो, तो सेल वाल क्या शो करते हैं, कम्प्लीटली परमिएबल वो होते हैं, ठीक है। अगेन फिर फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद फिर मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप नॉट कनेक्टेड विद द, तो दिस इज न्यूमेरिकल अपर्चर, दिस इज द राइट आंसर्स। एंड फिर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज हाई रिजोल्यूशन पावर, दिस इज नोन एज वेरी लो वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रॉन बॉम, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, तो यहाँ पे तीनों आंसर वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है न्यूक्लियो प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन, न्यूक्लियो प्रोटीन जो होते हैं वो किससे सिंथेसाइज होते हैं, तो साइटोप्लाज्म से सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वही क्वेश्चन यहाँ पे भी AIPMT 1988 में पूछ दिया गया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस चीज़ से कंसिस्ट होते हैं, तो फॉस्फोलिपिड एक्सटेंसिव प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, सब चीज़ों से, ठीक है। फिर यहाँ पे नया क्वेश्चन एक आपको देखने को मिला, एलिमेंट नेसेसरी फॉर द मिडिल लेयर, दिस इज कैल्शियम, ठीक है। मिडिल लेयर की बात की जाएगी तो कैल्शियम को आपको करना है। और फिर यहाँ पे है इम्प्लांट इन्यूलिन पैक्टीन, दिस इज फूड रिजर्वर, ठीक है। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, रिसेंटली नीट 2021-22 में पूछा गया था, यहाँ पे नीट 2022 में पूछा गया है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट, मतलब कि आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंटरनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो है लिखा हुआ क्या चीज़ है, ACR इज डेवलप इन द राइबोसोम, तो ACR जो होते हैं वो राइबोसोम को डेवलप करते हैं, ACR मतलब कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये तो लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंटरनल बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि ये डिवाइड कहने का मतलब कि वो राइबोसोम को, मतलब कि ACR जो होते हैं वो राइबोसोम को डिवाइड करने का काम करते हैं, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करते हैं, तो ये तो सही लिखा है। फिर इन प्रोकैरियोट ओनली RER आर प्रेजेंट, नहीं, प्रोकैरियोट में RER और ACR कुछ भी नहीं होते हैं, मतलब कुछ भी प्रेजेंट नहीं होते, ठीक। उसके बाद RER प्रेजेंट साइट फॉर द लिपिड सिंथेसिस, सही है। उसके बाद ACR एंड RER द राइबोसोम इज अटैच टू द ER से अटैच होता है, ये भी सही है। सो द राइट आंसर इज दिस इनकरेक्ट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि आपका मैचिंग पूछा जा रहा है। मैचिंग में क्या है, क्रिस्टे जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनफोल्डिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। थाइलाकोइड क्या होता है, थाइलाकोइड इज द फ्लैटेन मेम्ब्रेनस साक इन स्ट्रोमा के इंटरनली, जो कि प्लास्टिड के होता है, ठीक है। तो प्लास्टिड के अंदर जो स्ट्रोमा होते हैं उसमें एक फ्लैटेन मेम्ब्रेनस साक होता है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको थाइलाकोइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोमियर जो होते हैं ना, वो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है क्रोमोजोम में। और सिस्टर्नी तो एक डिस्क शेप जो कि गोल्जी अपर्टस गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल लीजिए वो, तो राइट आंसर इसका 3, 4, 1, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द इंडोप्लाज्मिक इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, तो यहाँ नीट 2023 और 21 में रिपीटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है इंडोमेम्ब्रेन मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो यहीं पे गलत हो गया ये। फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम वैक्यूल, ये सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रिया, फिर से आ गया, ये गलत हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया, फिर से गलत, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, व्हेन द सेंट्रोमियर्स इज सिचुएटेड इन द मिडिल टू टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम्स, द क्रोमोजोम्स इज रिफर्स टू एज मेटासेंट्रिक, ठीक है। मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि वहाँ पे मिडिल दो इक्वल आर्म्स होते हैं और उसी चीज़ को मेटासेंट्रिक बोला जाता है। ये 2021 का क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सेल चैप्टर के सबसे लास्ट पैराग्राफ में पढ़ने हैं। अगेन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू ग्रीन आलगी पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर गैस वैक्यूल, इंक्लूजन बॉडी को गैस वैक्यूल कहा जाता है, दिस इज द राइट आंसर। और ये कभी भी प्रोकैरियोट में ही होते हैं, यूकैरियोट में नहीं होते, प्लांट्स वगैरह में होते हैं और साथ साथ यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह में होते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल मतलब गैस वैक्यूल इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द बायोसिंथेटिक ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर्स इन द न्यूक्लियस, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस मैचिंग करना है, ये नीट 2020 में पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो,
ये नीट 2020 में क्या पूछा गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें से क्या होंगे, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक मतलब कि लिपिड का सिंथेसिस करते हैं तो दो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस, क्या चीज़ होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करने का काम करते हैं, ये ना एक ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन कहने का मतलब है कि वो लिपिड का सिंथेसिस और मतलब कि दोनों चीज़ का करता है, ठीक है, मतलब कि लिपिड बाइलेयर होते हैं वो, और सेंट्रियोल जो होता है वो तो आपको पता ही है कि स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं। तो राइट आंसर इसका 2, 1, 3, 4 हो जाएगा, मतलब कि द राइट आंसर इज 2, 1, 3, 4, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम, दिस इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बारे में हमने पहले भी देखा है, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ना जैसे कॉपर, जिंक और मैलविडम, ये सब गलत ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि हमको मेंटेनिंग करना है किस चीज़ का, राइबोसोम का, तो राइबोसोम में तो मैग्नीशियम ही चाहिए होता है, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। हाँ, अभी जस्ट हमने यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ा था इस वाले ऑप्शन में, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख सकता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है इसका मतलब होता है कि वहाँ पे लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लाइको लिपिड और किस चीज़, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हेल्प इन द मेंटेनिंग, ये तो हो गया, सॉरी, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, और इन्हीं दोनों को एक साथ ग्लाइकोसाइलेशन बोला जाता है, ठीक है। इन यूकेरियोट दिस इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी और यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस, तीनों आंसर सही होगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज गोल्जी बॉडी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, यहाँ पे मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, यहाँ पे जैसे कि लिखा है गोल्जी अपैरेटस, तो गोल्जी अपैरेटस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, अभी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद फिर लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, और लाइसोसोम एक डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। वैक्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल ना वाटर को कंटेन करने का काम करते हैं और वेस्ट मटेरियल को ट्रैप करने का काम करते हैं, तो ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, जो भी अनवांछित, जो भी खराब चीज़ें हैं। अगेन राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो राइट आंसर इसका 3, 4, 2 एंड 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल मतलब लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, ठीक है, सुसाइडल बैग के नाम से ये फेमस है। तो द राइट आंसर इज 3, 4, 2 एंड 1। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन द सेक्रेटरी सेल, ये यूनिट 2019 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि इसी चीज को, यही एक सेल ऑर्गेनल है जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ सेक्रेटरी सेल के, सेक्रेटरी सेल इसके इंटरनली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ, सो द राइट आंसर इज आरएनए, ठीक है, यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, यहाँ पे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनल्स डू नॉट कंटेन डीएनए, तो नीट 2019 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर लाइसोसोम और वैक्यूल हो जाएगा, इसके इंटरनली डीएनए कंटेन नहीं होता है, बाकी क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल में होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनवलप माइटोकॉन्ड्रिया इसमें तो होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम होते हैं, क्योंकि ये सब डबल लेयर है, लेकिन लाइसोसोम जो है वो सिंगल लेयर होता है, तो इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि नीट 2019 का ही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब कि इनकरेक्ट बताना है, तो द हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम एक्टिव इन द एसिडिक पीएच, सही बात है, वो एसिडिक होता है। अगेन लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोकैरियोट, क्या है, पैकेजिंग इन द इंडोप्लाज्मिक में नहीं हो सकता, दिस इज इनकरेक्ट, ये होते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, ना कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ज़्यादातर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होते हैं। फिर लाइसोसोम हैव द न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, सही बात है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कारण वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, तो राइट आंसर इज सी, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म, हाँ ये फिर से आ गया यहाँ पे नीट 2019 में क्वेश्चन, जो हमने पहले डिस्कस किया था, शॉर्ट आर्म एक होना चाहिए, मतलब कि एक छोटा सा आर्म यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म मतलब कि एक बड़ा सा होना चाहिए, ऐसे करके अगर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सब मेटासेंट्रिक के, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, तो ऊपर वाले को हम पी आर्म बोलते हैं और नीचे वाले को हम क्यू आर्म बोलते हैं, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, यहाँ पे ये भी नीट 2019 का ही क्वेश्चन है, क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में,
विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट है, इनमें से बताना है आपको रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। तो एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, नहीं ये इनर मेम्ब्रेन के इंटरनली होता है, तो यही गलत हो गया, बाकी सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रिसिपिटेट इन, तो ये क्या करते हैं कि सेक्रेटरी वेसाइकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, बनाने का काम करते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियस, मतलब कि इनमें से कौन ट्रू हो सकता है, सही हो सकता है न्यूक्लियस के लिए, तो इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निजल्स बॉडी आर मेनली कंपाउंड ऑफ, दिस इज फ्री राइबोसोमल एंड आरईआर का मतलब होता है राइबो, मतलब कि ये सॉरी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, जैसे कि ऑप्शन लिखा है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, तो ये एल शेप के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक्रोसोम जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद लैम्प ब्रश क्रोमोजोम जो होते हैं वो डिप्लोटीन बाइवेलेंट होते हैं, ये भी सही है। उसके बाद पॉलीटीन क्रोमोजोम जो होते हैं ना वो ऊ साइड ऑफ द एम्फीबिया, नहीं ये गलत लिखा हुआ, ऊ साइड नहीं हो सकता, स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट होते हैं, इस चीज़ को क्या बोला जाता है, स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट, ना कि पॉलीटीन क्रोमोजोम, तो दिस इज द राइट करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब कि ऊ साइड ऑफ एम्फीबिया नहीं होगा, ये इंसेक्ट के अंदर होता है पॉलीटीन क्रोमोजोम। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही इनकरेक्ट दिया गया है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डजंट अकर इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर के बताना है, तो आरईआर में आपको पता ही है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, लेकिन यहाँ लिखा है फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, तो ये तो फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के इंटरनली होता है ना, तो यही आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी प्रोटीन का फोल्डिंग करना, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन करना, कैवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड बनाना, ये सब सही ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब हम आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मेनी राइबोसोम में एसोसिएट विद सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली, सच स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम आर टर्म एज पॉलीसोम, दिस इज बहुत फेमस चीज़ है ये पॉलीसोम के बारे में आपको पढ़ना है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू एटीपी, एटीपी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है, मतलब कि पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और लाइसोसोम का क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम और क्लोरोप्लास्ट एक ही अलग चीज़ है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल, अब जैसे कि आपको पता है कि ये जो पिगमेंट होते हैं और वैक्यूल में आपको ना क्या कहता है कि कलर का मतलब कि आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे जैंथोकाइनेंस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लोरोफिल ये तो आपका किस में होता है, क्लोरोफिल जो होते हैं वो तो अलग पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर देने का काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, वाटर को सॉल्युबल करने का जो पिगमेंट होता है वो एंथोकाइनाइन होते हैं। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज एनक्लोज बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज लाइसोसोम, जो कि हमने पहले भी देखा लाइसोसोम के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इस सब में डबल मेम्ब्रेन होते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी, तो माइटोकॉन्ड्रिया और सेमी सॉरी क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, तो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होते हैं, ये सही बात कही जा रही है। फिर कहा जा रहा है क्या है, फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मैसेनरी, नहीं ये गलत है, यहाँ पे ना ये प्री एग्जिस्टिंग नहीं हो सकता। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि डीएनए है और डीएनए कभी भी प्री एग्जिस्टिंग नहीं हो सकता, सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज करेक्ट, मतलब कि फर्स्ट ट्रू है बट सेकेंड इनकरेक्ट है, फॉल्स है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, स्पिंडल का फॉर्मेशन करते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, सेंट्रियोल और सिलिया का फॉर्मेशन करते हैं, दिस इज द राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं जैसे कि सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल तो होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं और क्रोमैटिन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रोमोजोम, ये तो गलत हो गया, सिलिया, फ्लैजिला गलत है, प्रोटोसिस्टम गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ ए हो जाएगा। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, काफ़ी ज़्यादा हमने क्वेश्चन को कर लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी थे। अगेन
एसएल ऑर्गेनल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम आ गया, एसिडिक पीएच आ गया, दिस इज लाइसोसोम, नीट 2016 में पूछा गया, समझ सकते हैं आप नीट का लेवल। सेलेक्ट द मिसमैच, अब आपको ना मिसमैचिंग सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ गैस वैक्यूल, ग्रीन बैक्टीरिया सेल, हाँ ये सही है, ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया वगैरह। उसका लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में, नहीं नहीं नहीं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हो चाहे स्मॉल हो, ये सब प्लांट में ही होता है, हमारे अंदर वैक्यूल होता ही कहाँ है भाई, दिस इज सॉरी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल में कहाँ से होंगे, प्लांट में होंगे ना, क्योंकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो होते हैं वो प्लांट में इसलिए होता है क्योंकि प्लांट के अंदर, अब ये जो वैक्यूल होता है ये पानी को कंटेन करने का काम करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर ना ज़्यादा पानी होता है, 90% तक पानी किस में होता है, प्लांट में होता है। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल तो प्लांट को चाहिए ना कि एनिमल को, एनिमल को तो 65% पानी कंटेन करता होता है, मतलब कि स्मॉल वैक्यूल्स होता है उसके इंटरनली। सो दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है, यही मिसमैचिंग किया गया है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैचिंग करना है यहाँ पे, थायलाकोइड, सिस्टर्नी, सॉरी क्रिस्टे, सिस्टर्नी, क्रोमैटिन, ये फिर से आ गया भाई यहाँ पे। थायलाकोइड देखते ही आपको मन में आ जाना चाहिए कि ये मेम्ब्रेनस स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा कहाँ होता है तो आपको पता ही है। सिस्टर्नी जो होता है इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही है, 3, 4, 1 and 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बिलीविन रिंग्स आर साइट्स ऑफ, तो बिलीविन रिंग्स आर साइट फॉर, तो बिलीविन रिंग्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, तो इनमें से कौन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है सिंगल मेम्ब्रेन से, वैक्यूल्स मिसोसोम डबल बाउंड से है, लेकिन यहाँ राइबोसोम जो होता है उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, ये मेम्ब्रेन लेस है भाई, ठीक है। अब देखिए सेलुलर ऑर्गेनल विद मेम्ब्रेन आर्स, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अब यहाँ क्या ऑप्शंस हैं, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है लाइसोसोम, गोल्जी अपर्टस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो होते हैं ना ये एक सेलुलर ऑर्गन होते हैं विद द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के साथ साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ए सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैव द डायमीटर इज 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर इज नोन एज माइक्रोफिलामेंट, आपको ना तीन टाइप का पढ़ना है, माइक्रो, मैक्रो एंड और भी एक और है इंटरमीडिएटेड फिलामेंट, तो इन सब के जो होते हैं नैनोमीटर आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। अब फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑस्मोटिक बैलेंस करने का काम कौन करता है इन द वाटर, तो वाटर का ऑप्शन आया वैक्यूल लगा देंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्री, प्लास्टिड कलर देने का काम, राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है, ऐसे करके आपको याद करना है। अगेन फिर यहाँ पे मैचिंग करने हैं, सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, फिर सिस्टर्नी और राइबोसोम, फिर से आपका सिस्टर्नी आ गया भाई, ये जान ही नहीं छोड़ने वाला इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे सी का वन हो जाएगा, अब सी का वन देखिए, यहाँ पे सी का वन कहाँ पे है, वन इसमें है, इसमें है, अब इस दोनों में कन्फ्यूजन है, एक और क्लियर कर लेंगे, जैसे क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल थायलाकोइड में होगा ना, दिस इज़ द राइट आंसर, 4, 3, 4, 2, फिर सिस्टर्नी का वन, और सेंट्रियोल का हमने क्या देखा, सेंट्रियोल जो होता है वो बेसल पार्ट होता है सिलिया का, तो 4, 2, 1 and 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मतलब कि पूछा गया था, जैसे कि ये जो करेक्टली फंक्शन आपको बताने हैं, ठीक है, किस चीज़ के करेक्टली फंक्शन बताने हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्गन दिया हुआ है ये किस चीज़ का ऑर्गन है, आपको पता है ये किस चीज़ का ऑर्गन है, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसलिए गलत हो गया। गोल्जी अपर्टस प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्जी अपर्टस जो होता है प्रोटीन का सिर्फ सिंथेसिस नहीं, ये भी गलत है, प्रोटीन का सिंथेसिस क्यों करेंगे गोल्जी बॉडी, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस करते हैं, गोल्जी अपर्टस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड है एंड ग्लाइकोप्रोटीन होना चाहिए था, मतलब सिंगल दिया है इसलिए गलत हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, ये बिल्कुल सही बात कही जा रही है, यहाँ पे दोनों रहता ना तो सही होता, लेकिन सिंगल दिया हुआ है इसलिए गलत है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, तो मेजर साइट क्या होता है लिपिड के सिंथेसिस का, ACR, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, दिस इज इन पास्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन एंड प्रोटीन एंड सॉरी ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ द लिपिड, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो AIPMT के हैं, जो कि आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट शो नहीं करते, और काफ़ी ज़्यादा हमने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया है, तो ये सब जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल से क्वेश्चन है। सो जैसा कि हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को कवर कर लिया है, अब हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिसके इंटरनली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि थोड़े से लॉजिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं।
एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ। तो आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर का जो कंकाल होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो काइटीन का बना होता है वो चीज़। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे। ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस्ड माल्टोज। इफ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ माल्टोज। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ग्लूकोज के फॉर्म में माल्टोज का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन रहा था, मतलब ग्लूकोज बन रहा था। तो आपको फिर क्या चीज़ का बताना है, उसी ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है आपको कन्वर्ट कर देना है इन द माल्टोज में। ठीक है, तो माल्टोज में उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो माल्टोज में इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये कार्बन जो है वो डबल के फॉर्म में हो जाता है। इसका एक रिएक्शन आता है, लेकिन वो रिएक्शन इतना ज़्यादा मतलब कि आसान नहीं है, बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, इसीलिए हम शॉर्ट में देखेंगे। ये कार्बन जो है वो डबल हो जाता है, फिर ये जो हाइड्रोजन है ये भी जस्ट डबल होता है, लेकिन डबल से तो दो इसके मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं, और ये ऑक्सीजन फिर से डबल होता है और एक मॉलिक्यूल इसके कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए C6 है तो C12 हो जाएगा, एंड फिर H12 है तो दो कम होंगे तो 24 - 2 22 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के सिक्स मॉलिक्यूल मतलब कि 12 - 1 तो 11 हो जाएगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज C12H22NO11। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। मैच द फॉलोइंग लिस्ट दिया हुआ है, अब इसी में मैचिंग करना है आपको। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और बायोलॉजिकल फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या क्या है, जैसे ग्लूकोज है, सॉरी ग्लाइकोजेन है, ग्लोबुलिन है, स्टेरॉइड है और थ्रोम्बिन है। तो ग्लाइकोजेन जो होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजेन एक जो स्टोरेज प्रोडक्ट होता है, तो ये स्टोर करने का काम करता है। दिस इज फोर, तो इसका फोर हो जाएगा। अगेन ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो होते हैं ना वो एक एंटीबॉडी है। ग्लोबुलिन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, दिस इज एंटीबॉडी है ना, ये एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं, तो दिस इज द इसका थ्री हो जाएगा। अगेन स्टेरॉइड, स्टेरॉइड एक हार्मोन होता है। ठीक है, तो इसमें से हार्मोन को हम चूज कर लेंगे। अगेन थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एक ब्लास्टोलिस्ट चीज़ है। ठीक है, जो कि ब्लास्टोलिस्ट सॉरी बायो कैटलिस्ट है, और बायो कैटलिस्ट में इसका वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4, 3, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, और ये नीट 2022 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4, 3, 1 एंड 2 वाला। ठीक है, अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि नीट 2021 में पूछे गए थे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। प्लांट के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट इनमें कौन से नहीं है। ठीक है, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पे है मॉर्फिन एंड कोडीन, ये तो होता है। एमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, देखिए एमाइनो एसिड और ग्लूकोज नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी पूछा जा रहा है, लेकिन ये लोग जो हैं ये प्राइमरी होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगेन फिर है विन ब्लास्टिन एंड क्रोक्यूमिन, ये भी सही है। रबर एंड गम्स, ये तो बिल्कुल ही सेकेंडरी होंगे। तो फर्स्ट जो होता है ये होता है, लेकिन यहाँ सेकेंडरी पूछा गया, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब कि सेकेंडरी इसमें से कौन नहीं है, तो ये सब सेकेंडरी नहीं होते हैं, ये प्राइमरी होते हैं। ठीक है, अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्लोरिडीन, अब यहाँ पे फ्लोरिडीन स्टार्च जो होते हैं, स्ट्रक्चर सिमिलर टू, किसके सिमिलर होते हैं, तो वो एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजेन के सिमिलर होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, विच टू फंक्शनल ग्रुप आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर। ठीक है, मतलब कि इसमें से कौन दो ऐसे फंक्शन है जो कि शुगर के लिए वो कैरेक्टर बनते हैं। तो इसमें कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल जो होते हैं, ये राइट आंसर होंगे। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीडेशंस ऑफ, पॉलीमराइजेशन ऑफ। ठीक है, तो ये AIPMT 2015 में पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ से AIPMT स्टार्ट हो गया, तो इसका राइट आंसर डी ग्लूकोसामाइन हो जाएगा। ठीक है, डी ग्लूकोसामाइन, दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, मतलब इनमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो माल्टोज जो होता है, माल्टोज तो नहीं हो सकता, ये नॉन नहीं होता है, ये रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ नॉन रिड्यूसिंग पूछा गया है, तो सुक्रोज हो जाएगा। ठीक है, सुक्रोज जो होता है ना, वो एक डिहाइड्रेस होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
माइक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज, तो माइक्रोमोलिक्यूल जो काइटिन होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल पॉलीसेक्राइड, तो पॉलीसेक्राइड तो होगा नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, सिंपल कैसे हो सकता है, तो इस दोनों में ये आंसर सही होगा। यहाँ पे लिखा है फॉस्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, तो फॉस्फोरस कंटेन नहीं करता, ये नाइट्रोजन कंटेन करता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन याद नहीं है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि गलत मैच किया गया है। तो फर्स्ट है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट एक लाइपेज होता है, ये बिल्कुल सही है। एल्कोहल जो है वो नाइट्रोजिनेज है, नहीं, एल्कोहल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, ना कि नाइट्रोजिनेज, तो ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्रूट जूस जो होते हैं वो पैक्टिनेज होते हैं, और टेक्सटाइल जो होते हैं वो एमाइलोज होते हैं, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन यही है। ठीक है, अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना पहले के एग्जामों में पूछे जाते थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते थे, बट अब के एग्जाम में हो सके तो ये इस बार आ जाए, क्योंकि बहुत दिन से नहीं आया हुआ, मतलब बहुत रिपीटेड नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि अबाउट 98% ऑफ द मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कम्पोज द जस्ट सिक्स एलिमेंट, मतलब कि 98% मास जो होते हैं प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसमें सिक्स एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, जैसे फर्स्ट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला है CHONPSK, ऐसे करके मैंने एक फॉर्मूला बनाया, इसमें कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, चार तो ये हो गए, और दो होता है फास्फोरस और सल्फर, यहाँ पे फास्फोरस और सल्फर, K फॉर पोटेशियम होता है, लेकिन पोटेशियम को यहाँ पे पढ़ते नहीं है, क्योंकि सिक्स एलिमेंट के ही बारे में ही पढ़ना है, लेकिन ये भी होता है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिड्यूसिंग शुगर, मतलब इनमें से कौन से रिड्यूसिंग शुगर है, तो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं टोटल 9 होते हैं, एक होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा फ्रुक्टोज, चौथा मैनेज, पांचवा यहाँ पे गैलेक्टोज, फिर हेक्सोज, और फिर यहाँ पे क्या होता है, गैलेक्टोज होता है। ठीक है, तो गैलेक्टोज इज द राइट आंसर, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो ये सब के सब रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इन सारे ऑप्शंस को भी याद कर सकते हैं। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि इसमें बताना है कि अर्थ के ऊपर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो सेल्यूलोज जाएगा। ठीक है, और एस्टेरॉइड ये इससे ज़्यादा मतलब कि सेल्यूलोज होता है। ठीक है, क्योंकि आपने सेल्यूलोज के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा। अगेन लैक्टोज इज कम्पोज्ड ऑफ, तो ये सब क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। ठीक है, लैक्टोज जो होते हैं ना वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर के बनते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन। अब हम प्रोटीन के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे नीट 2020 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, एनिमल के लिए कौन सा मोस्ट अबंडेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी प्रोटीन है, तो ये होता है कैलाजिन। कैलाजिन जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, लेकिन इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, लैक्टिन और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनिमल के लिए जरूरी होता है कैलाजिन। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन दियर स्ट्रक्चर, ये 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा गया है, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो इन्यूलिन में होता है। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो इंसुलिन में होता है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि जब भी यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आएगा तो हम इन्यूलिन याद करेंगे, IN याद करेंगे, INU इन्यूलिन, और जब भी हमको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाएगा तो हम INS याद करेंगे, मतलब इंसुलिन। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द बेसिक एमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब कि बेसिक एमाइनो एसिड के बारे में आपको बताना है, ये लाइसिन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस है, रामचंद्रन प्लॉट इज यूज टू कन्फर्म द स्ट्रक्चर ऑफ, रामचंद्रन प्लॉट के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, है ना, वहाँ पे क्या दिया होगा, तो दिस इज द प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में इन्होंने ही अपने प्लॉट में कन्फर्म किया था, यूज किया था। ठीक है, तो प्रोटीन इज द राइट आंसर, ये 2019 का क्वेश्चन है, उड़ीसा में आया हुआ था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमाइनो एसिड डेवलप हार्मोन, मतलब ऐसा कौन सा एमाइनो एसिड है जो कि हार्मोन को डेवलप करता है, तो ये होता है एपिनेफ्रिन, एक प्रकार का क्या है, एमाइनो एसिड है जो कि हार्मोन ड्राइव करने का काम करता है, तो ये नीट 2018 में आया था, दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द एस्टेब्लिशिंग द 3 डायमेंशनल फोल्डिंग
ऑफ मोस्ट प्रोटीन। सो दिस इज द ईस्टर बॉन्ड, यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बनने का काम होता है, ठीक है। ये 2016 का क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे दिए, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं हो सकता ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड इंट्रैक्शन ये तो पढ़ना ही नहीं है, उसके बाद हाइड्रो और ये पता नहीं, ये सब दोनों पढ़ना नहीं है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर ईस्टर बॉन्ड जाएगा, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। विच वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट, विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। तो एनिमल के लिए अभी हमने डिस्कस किया था कैलाजिन, ठीक है, तो कैलाजिन इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, मतलब इनमें से कौन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, तो ग्लाइसिन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फिर कैलाजिन क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है जो कि एनिमल के लिए इसेंशियल होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़े से, जैसे कि विच वन इज़ एन इसेंशियल अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जो हैं वो किसके लिए इसेंशियल हो सकते हैं, तो ये फिनाइल एलानिन हो सकता है, या फिर इनमें बहुत सारे ऐसे आते हैं जैसे कि ट्रिप्टोफेन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, फिर लाइसिन हो गया, फिर मेथोनिन और वैलिन होता है, फिर यहाँ पे थ्रियोनिन होता है, ठीक है। तो ये सब जो हैं, ये सारे ऑप्शन, ये सब अमाइनो एसिड में इसेंशियल है, ज़रूरी है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फिनाइलालिन हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, कंजुगेटेड प्रोटीन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट एज फॉस्फेटिक ग्रुप इज नोन एज, तो दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन, इसे ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे है, व्हाट इज द कॉमन अमॉन्ग एमाइलेज रेनिन एंड ट्रिप्सिन, तो एमाइलेज रेनिन ट्रिप्सिन गोंद वगैरह आपने जो पढ़ा होगा, है ना, दिस आर द ऑल आर प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन के नाम लिखे हुए हैं, एमाइलेज हो गया, रेनिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सब कुछ प्रोटीन है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द मोस्ट माइक्रोमोलिक्यूल दिस इज कार्बोहाइड्रेट, ओके, एंड अमाइनो एसिड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अल्फा कीटोन एसिड, ठीक है, ये जो अमाइनो एसिड होता है वो अल्फा कीटोन एसिड से प्रोड्यूस्ड होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक लिपिड पे, ठीक है। लिपिड से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नीट 2021 में आपको बाईस में क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड एंड फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। जैसे यहाँ लिखा है लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये तो गलत है, लेसिथिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सैचुरेटेड फैटी एसिड पोसेसेस डबल बॉन्ड, नहीं गलत है। अगेन जनरली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड हेस रिमेंस एज द ऑयल इन द विंटर, ये सही है। लिपिड आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, लिपिड जो होते हैं वो जनरली इनसॉल्युबल कब होते हैं, वाटर में होते हैं, बट सॉल्युबल इन द सम, लेकिन सॉल्युबल कुछ में होते हैं, तो ये सही बात कहा जा रहा है। यहाँ पे अगर ऑल आर रहता तो गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन फैटी एसिड इज एस्टिफाइड एंड विद द ग्लिसरॉल मोनोग्लिसरॉल आर फॉर्म्ड, दिस इज आल्सो करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन इज 3, 4 and 5, 3, 4 and 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, ब्लड सही बात है, मतलब कि उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है ब्लड के इंटरनली। अगेन स्टेटमेंट टू, स्पेशलाइज्ड लिम्फोइटिक कैपिलरीज कॉल्ड द लैक्टियल्स कैरी, ओके ठीक है। उसके बाद काइलोमाइक्रोन इनटू द लिम्फैटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड, बिल्कुल सही बात है, मतलब दोनों का दोनों करेक्ट ऑप्शंस कहा गया है, तो द राइट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इसमें कुछ स्टेटमेंट है बहुत सारे, ठीक है, उसमें से आपको चूज करना है, ठीक है, क्या चूज करना है, करेक्ट आंसर्स को यहाँ पे चूज करना है। तो ऑप्शंस है, लिपिड हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, नहीं अनसैचुरेटेड नहीं होगा, यहाँ सैचुरेटेड होना चाहिए था, ये गलत हो गया। लेसिथिन इज़ अ फॉस्फोलिपिड, हाँ ये सही है, लेसिथिन होते हैं फॉस्फोलिपिड। और फिर है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ये भी सही है। पाल्मिटिक एसिड हैज 20 कार्बन, गलत हो गया, 20 कार्बन नहीं होते हैं, ठीक है। अगेन ए कोऑर्डिनिक हैज द 16 कार्बन, ये भी गलत है, मतलब इसका राइट आंसर 2 and 3 होना चाहिए बस। सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 3। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक, मतलब कि इनमें से कौन पॉलीमेरिक नहीं है, ठीक है। तो ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर लिपिड हो जाएगा, ठीक है। ये पॉलीमेरिक नहीं होते हैं, ये मोनोमेरिक होते हैं, ठीक है, पॉलीमेरिक, बाकी सब न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, ये सब पॉलीमेरिक है,
लेकिन सॉरी ये सब पॉलीमेरिक, हाँ ये पॉलीमेरिक है लेकिन ये पॉलीमेरिक नहीं है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, मतलब कि इनमें से कौन मॉलिक्यूल जो है फैट मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। तो द राइट आंसर इज 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब इनमें से कौन सेल मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट नहीं है, दिस इज प्रोलीन, प्रोलीन नहीं हो सकता, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि AIPMT 2002 का है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। आप यहाँ से बस इसको थोड़ा सा पढ़ ले, बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड पे। न्यूक्लिक एसिड से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि रिसेंटली 2021 में आया था, 22-23 में नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो 24 में आई होप यहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड से कैसे क्वेश्चन आता है, तो जैसे कि यहाँ पे मैचिंग दिया गया, मैचिंग में क्या है, प्रोटीन दिया गया है, तो प्रोटीन इनमें से कौन है, ये चारों ऑप्शन में से प्रोटीन कौन है, तो प्रोटीन में सबसे पहले कौन सा बॉन्ड होता है, तो पैप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसका चार हो जाएगा। अगेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जस्ट अभी आपने पढ़ा कि उसमें डबल बॉन्ड होगा, तो 1 इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लगेगा, और पॉलीसेक्राइड में क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4, 1, 2, and 3 इज द राइट आंसर। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखेंगे, मैचिंग ही पूछा गया है, ठीक है। मैचिंग में क्या करना है, यहाँ पे इस मैचिंग में आपको ये ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्विपोडीन क्या होता है, तो एक्वापोडीन जो होता है ना वो एक पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है। उसके बाद एस्परजीना ये जो होते हैं ये एक एमाइड है, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे भी आपको बताया गया एब्सिसिक एसिड के बारे में, तो एब्सिसिक एसिड एक प्रकार का कैरेटिनॉइड होता है, और काइटिन तो आपको पता ही है कि पॉलीसेक्राइड है। तो 3, 1, 4, and 2 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। आपको जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कि मैचिंग वाले, तो आपको आंसर जस्ट इसी पे लिखना है, क्योंकि ना टाइम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैचिंग में लग जाता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन आउट द मिक्सचर ऑफ बायो मॉलिक्यूल कैन बी अचीव बाय द ट्रीटमेंट भी, तो ये कैसे अचीव होता है, तो चिल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट, ये 2019 में पूछा गया है, और जस्ट 23 में भी पूछा गया है, मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर चिल्ड इथेनॉल हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब इन सारे स्टेटमेंट में कौन सा रॉन्ग है, ठीक है, उसी को चूज करना है। तो जैसे लिखा है कि कैलोस इज अ पॉलीसेक्राइड, सही है, अभी जस्ट हमने पढ़ा। यूरासिल इज क्या है, पैरामिडिन, हाँ बिल्कुल सही है, पैरामिडिन ही होता है। अगेन ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, नहीं ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये सल्फर कंटेनिंग नहीं हो सकता, यहाँ सल्फर नहीं आ सकता, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे सल्फर नहीं रहता तो ये सही होता, लेकिन सल्फर कंटेनिंग लिखा हुआ है तो इसीलिए ये गलत हो गया, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। अगेन फिर AIPMT यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ पे AIPMT में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सो द राइट आंसर इज न्यूक्लिक एसिड इन द न्यूक्लियोटाइड, सो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पे ना AIPMT 2007 में पूछा गया था, द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन इज DNA इन अ DNA आर, सो दिस इज एंटी पैरेलल द राइट आंसर्स, ठीक है। आपको ना शॉर्टली इसको याद करते चलना है, बस इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। वन टर्न ऑफ द हेलिक्स इन अ बीटा फॉर्म, आई मीन बी फॉर्म, DNA इज अप्रॉक्सीमेटली 3.4 नैनोमीटर, बाकी इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले है नहीं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सबको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। सो ATP क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, ये एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइट, दिस इज नोन एज, क्या चीज़, फिनाइलालेन, ठीक है। अब हम आते हैं फिर कुछ नीचे के क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं लेकिन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि DNA सिंथेसिस कैन बी स्पेशली मेजर्ड बाय द एस्टिमेटिंग एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो लेवल, दिस इज नोन एज थायमिन, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आपका क्वेश्चन बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द नाइट्रोजिनेज ऑर्गेनिक बेस और प्यूरिन अकरिंग इन RNA, तो RNA जब भी आएगा तो वहाँ पे क्या चीज़, देखिए RNA और DNA होता है, RNA कहने का मतलब है कि वहाँ पे प्यूरिन आ गया। अब प्यूरिन के इंटरनली आपको क्या क्या पढ़ना है, एडिनिन और गुआनिन पढ़ना है, तो एडिनिन तो इसमें है नहीं, गुआनिन है तो गुआनिन लगा देंगे। RNA का जब भी बात किया जाएगा प्यूरिन के इंटरनली, तो गुआनिन और क्या चीज़, एडिनिन, ठीक है, एडेनिन।
और थाइमिन, यूरासिल और ये साइटोसिन जो है, ये सब किसके एग्जांपल है? ये सब डीएनए के इंटरनली आता है, मतलब पैरामिडिन में, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जैसे कि हम समझेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, ये दो टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पैरामिडिन होता है। प्यूरिन जो होते हैं ना, उसके अंदर एडिनिन और गुआनिन आता है, और पैरामिडिन जो होते हैं इसके अंदर थाइमिन, यूरासिल और साइटोसिन आता है, ठीक है। थाइरिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये तीन चीज़ें आती हैं, और इसमें दो चीज़ें आता है, ये आरएनए को कंटेन करता है, ये डीएनए को कंटेन करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आरएनए से जब डीएनए चेंजिंग होती है तो वहाँ पे थाइमिन जो है वो यूरासिल जो है वो थाइमिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये यू जो है वो टी बन जाता है। तो ऐसा करके कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे एडिनिन, तो एडिनिन क्या होगा, प्यूरिन हो जाएगा ना, क्योंकि एडिनिन इसी में आता है, ठीक है। लेकिन पैरामिडिन अगर पूछता तो यहाँ पे थाइमिन, यूरासिल और साइटोसिन के हम ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन द सेल, दिस इज आरएनए इज द राइट आंसर, ठीक है। वाइडली होते हैं ये सेल के इंटरनली। द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक। डीएनए कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट, दिस इज नोन एज डी हाइड्रोकार्बन, राइट, ठीक है। अगेन फिर इन आरएनए के अंदर थाइमिन जो होता है वो यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है, अभी मैंने बताया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए डू नॉट पासेस थाइमिन, आरएनए जो होता है वो थाइमिन में पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये डीएनए में पास होता है। थाइमिन में जब पास होगा तो थाइमिन क्या बन जाएगा, यूरासिल बन जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इन डबल हेलिक्स डीएनए द टू डीएनए स्ट्रैंड आर कोलाइड अराउंड ए कॉमन एपिक्स, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एंजाइम। एंजाइम से क्वेश्चन तो समझ ही सकते हैं आप कितना अच्छा वेटेज है, नीट 2020 में रिसेंटली पूछा गया है, 24 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे क्वेश्चन इस साल। सो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स नीट 2020 में पूछा गया है, जैसे कि इनहिबिटर ऑफ कैटेलिटिक एक्टिविटीज़, तो इसका राइट आंसर मेलोनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसेस पेप्टिक बॉन्ड, ये हो जाएगा कैलाजिन, क्योंकि पैप्टिक बॉन्ड जो होते हैं ना वो इस प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, कन्वर्ट में लगता है। अगेन सेल वॉल मटेरियल इन द फंगी, ये हो जाएगा राइट आंसर, काइटिन का बना होता है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट तो आपको पता ही है, क्रिसिन हो जाएगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 4, 3, 1 एंड 2, यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं, क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम द कोएंजाइम इन दैट। सो ये नीट 2019 में पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दे, यहाँ पे जो भी ग्रुप है वो टाइटली बॉन्ड हो जाते हैं किस चीज़ से, एपोएंजाइम से, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल ब्लड एंड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये नीट 2019 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर एस्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब कि आपको ना कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करना है, जैसे कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे कि कोएंजाइम और मटेरियल दैट टाइट बॉन्ड इन द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड द प्रोस्थेटिक ग्रुप, दिस इज राइट आंसर। अगेन ए कम्प्लीट कैटेलिटिक एक्टिविटी एंजाइम विद इट्स बॉन्ड इज ये क्या है, फॉस्थेटिक ग्रुप तो नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि यहाँ पे एपो एंजाइम कहा जा रहा है, तो एपो एंजाइम कैसे हो जाएगा, दिस पॉलीएंजाइम, सो दिस इज इनकरेक्ट, मतलब कि ए इज द करेक्ट एंड सेकेंड इज फॉल्स, ए इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, अब इसको ना आपको करेक्टली मैच करना है, ये नीट 2018 में पूछा गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है टी एच मॉर्गन ने क्या ट्रांसडक्शन दिया था, ये तो गलत बात है ना, ये गलत कहा जा रहा है, ट्रांसडक्शन के बारे में उन्होंने बताया नहीं था, उन्होंने क्या चीज़ के बारे में बताया था, है ना। तो मॉर्गन जो थे या फिर मेंडल साहब जो थे, उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में बताया था, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। अगेन F2 रिसीव पेरेंट F2 पेरेंट जो होता है रिसेसिव पेरेंट, वो डिहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, ठीक है। ये मेंडल वाला यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो ये मतलब कि करेक्ट आंसर है, सॉरी इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिसेसिव कहाँ जा रहे हैं, तो रिसेसिव में मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, अगर यही डोमिनेंट होता तो बदल सकता था। राइजोम जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड, सही बात है, और जी मेंडल मतलब ग्रेगर जोन मेंडल जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये गलत बात है। अगेन विच वन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्या है, एप्रोटीनेस एंजाइम इज, तो इसका राइट आंसर राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है। ये नीट 2016 में पूछा गया था, नॉन प्रोटीनियस एंजाइम पूछा जा रहा है, तो नॉन प्रोटीनियस एंजाइम इनमें से राइबोसोम ही होगा, क्योंकि इसके अंदर भी प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शंस विच इज़ नॉट करेक्ट, अब इसमें से आपको नॉट करेक्ट चूज करना है, ठीक है।
तो चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी करके। ए में दिया है सबस्ट्रेट बॉन्ड विद एंजाइम एज इट इज एक्टिव साइट, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एडिशन ऑफ लॉट्स ऑफ सक्सिनेट डजंट रिसीव द इनहिबिटर्स ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय द मैलोनेट, तो दिस इज राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2013 का है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज, तो ये 2013 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस एंड अन। धीरे धीरे हमने दो चैप्टर्स को कवर कर लिया, अब हम अपने लास्ट चैप्टर्स को देखेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के। इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द सेल, सेल साइकिल, ठीक है। तो सेल साइकिल में आपको पता है कि इंटरफेज आता है, फिर इंटरफेज के इंटरनली क्या क्या आते हैं, एस फेज आते हैं, जी वन फेज आते हैं, जी टू फेज आते हैं और लास्ट में जी नॉट फेज आते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा एम फेज का, एम फेज के इंटरनली चार फेजेज आते हैं जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो उसको डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड देखेंगे, जिसमें से मियोसिस फर्स्ट जो होगा उसमें प्रोफेज फर्स्ट में लैप्टोटीन, जाइगोटीन, उसके बाद पैकेटीन, ये सब को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं द सेल साइकिल को, ओके। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक द सेल साइकिल। अब इसमें जो क्वेश्चन है मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, ये तो क्वेश्चन सेल का है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना ये सेल का क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, ये सेल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा यहाँ पे है द सेंट्रियोल अंडरगो ड्यूप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल कहाँ पर ड्यूप्लीकेट होता है, तो सेंट्रियोल जो होता है ना वो एस फेज में ड्यूप्लीकेट होता है, ठीक है। एस फेज में क्या होता है कि सेंट्रियोल का ड्यूप्लीकेशन या फिर डीएनए का रेप्लीकेशन, डीएनए को दो भागों में तोड़ना, ठीक है ना। फिर प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, जी टू फेज में क्या होता है, ये हम आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ऐसे जी टू फेज में ग्रोथ टू फेज बोला जाता है इस चीज़ को, ठीक है, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, सिंपल सा है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, ये 2021 में पूछा गया था मैचिंग, जैसे कि एस फेज में क्या होता है, तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है या फिर डीएनए का रेप्लीकेशन होता है, मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लीकेशन फोर्थ में है तो इसका फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद जी टू फेज में ग्रोथ टू फेज बोलते हैं, या फिर इसी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और कौन से प्रोटीन का, तो हिस्टोन प्रोटीन का, ठीक है, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हो जाएगा, मतलब वन हो जाएगा। उसके बाद क्विसेंट स्टेज, देखिए जी नॉट फेज एक ना जी नॉट स्टेज होता है, जी नॉट फेज, ठीक है, उसी को क्विसेंट स्टेज बोला जाता है, और वो मेटाबोलिकली इनएक्टिव होता है ना कि एक्टिव, तो इनएक्टिव होगा, मतलब कि टू इज द राइट आंसर। अगेन फिर जीवन फेज में, अब जीवन फेज जो होता है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले इंटरवल होता है, तो उसी चीज़ को हम बोल सकते हैं जीवन फेज, तो यहाँ पे थ्री मिला देंगे, मतलब कि फोर वन टू एंड थ्री इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज फोर वन टू एंड थ्री। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखेंगे, अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर, मतलब कि स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच्ड हो जाते हैं किसके साथ, कैनेटोकोर के साथ, ऑफ द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के कैनेटोकोर के साथ, एंड बिकम इविडेंट इन, तो ये 2020 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर मेटाफेज हो जाएगा, क्योंकि मेटाफेज में ही स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे कि एनाफेज है, प्रोफेज है, तो प्रोफेज में तो स्पिंडल फाइबर बनते हैं लेकिन यहाँ पे अटैच्ड हो जाते हैं, फिर एनाफेज में क्या होता है कि वो फिर से टूट जाते हैं, और लास्ट में टेलोफेज में डिवीजन हो जाता है, किस चीज़ का, न्यूक्लियस का, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे ना आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट को, जैसे कि आइडेंटिफाई में अब लिखा हुआ है क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग, जीवन फेज के रिगार्डिंग ऑफ द इंटरफेज, तो यहाँ पे है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल्स कंपोनेंट टेक प्लेस, तो ये जो है ना ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सेल जो होते हैं वो कंपोनेंट वहाँ पे रीजनरेट नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, बिल्कुल सही है, ग्रो बट डजंट रेप्लिकेट डीएनए, हाँ सही बात है, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा जीवन फेज में, क्योंकि रेप्लिकेशन जो होता है ना वो एस फेज में होता है, लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है ये क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है ये नीट 2020 का है, यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट द सेल साइकिल इन द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज एंड दिस इज कॉल्ड क्यूसेंट, जिसको जीनोट फेज बोलेंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस प्रोसेस कॉल्ड द अकर्स ऑफ एंड ऑफ, तो ये किसके एंड के बाद होता है, तो जीनोट फेज जब भी होगा वो एम फेज के बाद ही होगा, क्योंकि एम फेज के बाद जीवन जीनोट फेज आ जाता है, और जीनोट फेज के बाद फिर जस्ट जीवन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर एम फेज हो जाएगा, ठीक है।
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, सेल इन जी नॉट फेज, सेल जो होते हैं ना जी नॉट फेज में उसको क्या बोला जाता है, तो उसको एग्जिस्ट कर दिया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये इनएक्टिव होते हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है किस चीज़ का, सेल साइकिल का। तो सेल साइकिल में सबसे पहले होता है G1 फेज, फिर आता है S फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज। ये सारे जो होते हैं ना मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये लोग वर्क करते हैं। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया था कि जी नॉट फेज, तो ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, इसलिए उसको सीक्वेंस में नहीं लेते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज G1 S G2 M। यहाँ पे G1 है लेकिन G2 आ गया तो गलत हो गया, S आ गया तो गलत हो गया, M तो गलत है। तो नेक्स्ट 2019 का क्वेश्चन है ये। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कहा जा रहा है, व्हेन सेल हैज इंस्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, सेल का रेप्लिकेशन हो गया, फॉर एंड विच चेक पॉइंट शुड बी द प्रोमिनेंट एक्टिवेटेड। तो सबसे पहले ना यहाँ पे क्या कह रहा है, सेल हैज द स्टॉक डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब कि फॉर्क बना रहा है, एक पहले डीएनए का रेप्लिकेशन के लिए एक फॉर्क बना है। तो फर्क कब बनेगा, जब डीएनए का एप्लीकेशन होगा उसके जस्ट पहले ना, जैसे मान लीजिए कि किसी को अगर पीटना हो, तो पीटने के पहले हम उसके प्रिपरेशन करते हैं कि हाँ भाई मुझे उसको लट से मारना है, फिर कैसे मारना है। तो इसीलिए उसको एक फर्क बनाना, मतलब कि जीवन फेज में उसका ग्रोथ हो गया, और उसके बाद फिर डीएनए का एप्लीकेशन किस में हो गया, एस फेज में हो गया। सो दिस इज द राइट आंसर, ऐसे एस फेज तो किसी में नहीं है, तो हम इसी को लगाते हैं, ठीक है। ये नीट 2016 में पूछा गया था। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन, तो सेल ग्रोथ जो होता है डीएनए के सिंथेसिस के लिए वो किस फेज में होता है, तो ये एस फेज में होता है, ठीक है। यहाँ पे सेल ग्रोथ कहा जा रहा है लेकिन डीएनए सिंथेसिस भी तो कहा जा रहा है ना, तो डीएनए सिंथेसिस कब होगा, एस फेज में होगा, ठीक है। जीवन फेज में ग्रोथ होता है, एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन रेप्लीकेशन या सिंथेसिस, और G2 फेज में मेटाबॉलिकली वो एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली वो ग्रोथ करता है, ठीक है। और यहीं पे हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच फेज, अब यहाँ पे कहा जा रहा है किस फेज में सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल रिमेन्स 4C लेवल एंड इनिशिएटेड अमाउंट ऑफ इज 2C। अब बताइए कि 4C अगर, मतलब कि इस फेज में अगर है, तो 4C से वो क्या चला गया, 2C में चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले 4C जो होगा, जैसे यहाँ लिखा है जी नॉट, तो ये तो गलत हो गया पहले ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ है G1 एंड S, तो G1 फेज में तो कोई बात ही नहीं की जाती है, रेप्लिकेट तो इस फेज में होता है ना, तो इस फेज से स्टार्ट होता है, तो ये तो गलत हो गया। इस फेज में 2 से 4 होता है लेकिन 4 से 2 नहीं होता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 से 2 कही जा रही है। अगेन ओनली जी टू में क्या होगा, अब जैसे कि इस फेज में अगर मान लीजिए कि 2 सेंट्रियोल से 4 सेंट्रियोल बन गए, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चीज़ की बात की जा रही है, यहाँ पे हमें मतलब बताया जा रहा है कि 4C से 2C हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे G2 फेज में, जैसे कि अगर 4 होता तो G2 फेज में भी 4 हो जाता, क्योंकि S फेज में रेप्लिकेट होता, तो 4C 2C में भी चला जाता, मतलब G2 फेज में भी चला जाता। लेकिन यहाँ पे जैसे फोर्थ ऑप्शन है G2NM, G2 में क्या होता है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमने S फेज में रेप्लिकेट करके 4 क्रोमोजोम मतलब कि सेंट्रियोल बना दिया, तो 4 ये G2 में भी चला जाएगा, इसमें रेप्लिकेट या फिर डुप्लीकेट नहीं होगा। और 4 से फिर जब हम M फेज करेंगे, मतलब कि तोड़ेंगे, तो ये फिर से 2 और 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 अलग हो गया, तो 1 में 2 बन गए ना, तो वही 2C से 4C, मतलब कि 4C से 2C हो गया। तो पहले G2 में आया, फिर M में आ गया, तो दिस इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगेगा, ऐसे इसका राइट आंसर टोटली होना चाहिए था S एंड M, लेकिन G2 एंड M भी सही है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन S फेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल के S फेज में क्या होता है, तो ये नीट 2014 और 1996 में पूछा गया था। इसमें क्या होता है, DNA डबलेट हो जाता है, DNA टूटते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे कहा जा रहा है, एट विच स्टेज, व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज, सो ड्यूरिंग द एस फेज। अब जैसे हमने आपको बताया था कि G2 फेज में हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोफेज के लिए कहा जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्रोफेज है, यहाँ टेलोफेज है, तो गलत हो जाएगा, और इस फेज में भी हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, इन सोमैटिक सेल साइकिल, सोमैटिक सेल साइकिल में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होते हैं, टेक प्लेस इन द एस फेज, तो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, AIPMT में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स मोर देन 1 एंड लेस देन 5 इन द क्रोमोजोम, दिस इज टेलोमियर। टेलोमियर में ना 1 से मतलब कि 4 क्रोमोजोम बन जाते हैं, क्योंकि 1 से वो 2 बनता है और 2 से 4 बनने लगता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि इंटरफेस आता है, तो इंटरफेस के बाद एम फेज, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस में वो 2 क्रोमोजोम बना लेते हैं, और 2 क्रोमोजोम के बाद वो 4 क्रोमोजोम यहाँ पे डिविजन करके बनाते हैं,
तो मतलब कि यहाँ पे कहा गया मोर देन वन एंड लेस देन, तो ये दिस इज टेलोमेयर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन टेलोफेज। ठीक है, अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, माइटोसिस वाले टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स अगर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, मतलब कि इनमें से कौन माइटोटिक सेल डिवीजन में कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल, ये तो होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, ये मियोसिस का टॉपिक है। ठीक है, पैकेटिन में, तो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेबर कहने का मतलब नहीं हो सकता। अगेन क्वाइलिंग ऑफ कंडेंसेशन, दिस इज राइट आंसर, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड, होता है माइटोसिस में, सॉरी मेटाफेज में। ठीक है, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, रिफर्स टू माइटोसिस, माइटोसिस के रिफरेंस में। तो यहाँ लिखा है स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमेर, काइनेटोकोर होना चाहिए था, तो यही यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोजोम, मतलब कि 2 सी इन ईच सेल, एंड ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ द माइटोसिस, अब यहाँ पे क्रोमोजोम है ना कि सेंट्रियोल है, तो सेंट्रियोल रहता तो डिवीजन हो जाता, तो वो 16 बन जाता, लेकिन क्रोमोजोम है तो वो सेम सेम ही रह जाएगा, चाहे वो G1 फेज में जाए, चाहे G2 फेज में जाए, चाहे S फेज में जाए, M फेज में जाए, कहीं भी जाए, वो क्रोमोजोम सेम का सेम ही रहता है, वहाँ पे चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो G1 फेज में 8 क्रोमोजोम है, तो वही कह रहा है कि S फेज में कितने होंगे, तो 8 ही रहेंगे, सेम सेम रहेंगे। ठीक है, ये नीट 2021 का है, क्रोमोजोम और सेंट्रियोल पे आपको ध्यान देना है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं ना कि क्रोमोजोम। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ माइटोटिक सेल, मतलब कि इन ये माइटोटिक साइकिल जो होते हैं, एम फेज जो होता है, उसमें करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है, तो सबसे पहले G1, S, G2, NM, दिस इज द राइट आंसर, ये नीट 2020 में पूछा गया था। अगेन फिर हमारा एक मैचिंग है, यहाँ पे नीट 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसमें जो कॉलम एंड कॉलम टू दिया हुआ है, जैसे कि जीवन फेज में क्या होगा, तो जीवन फेज को गैप वन फेज बोला जाता है, और इसके इंटरनली क्या होता है, इसके इंटरनली आपको पता ही होगा, जैसे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है एक नंबर में, सेल ग्रो एंड ऑर्गेनल्स डुप्लीकेशन, तो दिस इज द राइट आंसर, मतलब इसके सामने जो वन है यही सही होगा। अगेन फिर एस फेज है, एस फेज में क्या होता है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो इसके सामने का ही हो जाएगा। अगेन फिर जी टू फेज में फिर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, और फिर है मेटाफेज, फिर जो चौथा नंबर है मेटाफेज इन द एम फेज, तो एम फेज में क्या होता है, अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोजोम। ठीक है, मतलब प्रोफेज में, एम फेज के जो प्रोफेज जो फेज है उसके इंटरनली होता है, तो इसका राइट आंसर सेम सेम हो जाएगा, मतलब 1, 2, 3 and 4 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस एंड स्पोर आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, इसका राइट आंसर अगेरिकस हो जाएगा, ये एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, यहाँ पे एपीसी दिया हुआ है, मतलब एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये जो था ना, जैसे कि यहाँ पे कुछ घुमाया गया क्वेश्चन था एपीसी के बारे में, इस प्रोटीन डेग्रेडेशन मैसिनरी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ माइटोसिस एंड एनिमल सेल। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्ट कहा जा रहा है, मतलब कि एपीसी नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्ट को आप सही से देखेंगे, जैसे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम विल नॉट सेग्रीगेट, क्योंकि एक्सेप्ट कहा गया, क्रोमोजोम सेग्रीगेट होते हैं एपीसी में, लेकिन एक्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पे नॉट सेग्रीगेट ऑप्शन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट सीक्वेंस, यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताना है, सबसे पहले क्या होता है ड्यूरिंग माइटोसिस, तो माइटोसिस के ड्यूरिंग में सबसे पहले कंडेंसेशन होता है प्रोफेज में। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाते हैं उसी में, अगेन अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर में चला जाता है वो, जब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेट हो जाते हैं तब, एंड फिर सेंट्रोमेर डिवीजन हो जाते हैं, और फिर सेग्रीगेट होता है, फिर टेलोफेज लास्ट में ऑप्शन आते हैं। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक डिवीजन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइनेप्सिस, क्योंकि सोमैटिक डिवीजन जब भी होगा तो साइनेप्सिस ऑप्शन आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जाइगोटीन में साइनेप्सिस होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड, स्पिंडल फाइबर कब अटैच्ड होता है, काइनेटोकोर के समय में ऑफ द क्रोमोजोम। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नीट 2013 में पूछा गया था, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाई अ पेयर एंड साइनेप्सिस होमोलोगस, तो साइनेप्स जो होता है वो बाईवैलेंट और टेट्रावैलेंट होते हैं, जो कि जाइगोटीन वाले ऑप्शन में आपको पढ़ना है, मियोसिस वाले टॉपिक में। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बाइवेलेंट हो जाएगा। अगर टेट्राहेड भी रहता है तो वो भी आपका सही होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी रिपीट हो रहा है, जैसे कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन सिंपल स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू द क्रोमोजोम इज द रीजन। अब इसका राइट आंसर काइनेटोकोर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन इन द नीडेड फॉर सिंगल सेल एंड टू मेक 128 सेल। 128 सेल बनने के लिए हमें कितने माइटोटिक सेल डिवीजन करने पड़ेंगे, यही पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले एक यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक से जब दो बनेगा तो सिंगल वन दे, फिर दूसरे दिन में वो चार बन जाएगा, दो से चार, फिर तीसरे दिन में आठ बन जाएगा, चौथे दिन में 16 बनेगा, पाँचवें दिन में 32 बन जाएगा, फिर छठे दिन में 64 बनेगा और सातवें दिन में 128 बन जाएगा, ठीक है। तो 7 इज़ द राइट आंसर, ठीक। अगेन फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मियोसिस। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, मियोसिस। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं और ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है यहाँ से, द अपीयरेंस एंड रिकम्बिनेंस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम। तो होमोलोगस क्रोमोजोम भाई किस में बनता है, पैकेटिन में बनता है ना, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर मतलब कि पैकेटिन हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर रहे या फिर होमोलोगस क्रोमोजोम रिकम्बिनेशन रहे, है ना, तो वहाँ पे आपको लगाना है क्या चीज़, पैकेटिन लगाना है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है रिगार्डिंग मियोसिस। मियोसिस के रिगार्डिंग आपको बताना है विच वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ कहा गया है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन S1 फेज इनटू द मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड में S1 फेज कहाँ, S फेज कहाँ से आ जाएगा, इसके मतलब कि इंटरफेज जो होता है उसमें S फेज होता है, ना कि मियोसिस सेकंड में, तो यही इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो होमोलोगस क्रोमोजोम पैकेटिन में होता है बिल्कुल सही कही जा रही है, मियोसिस फर्स्ट में, फिर 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म्ड हो जाते हैं मियोसिस सेकंड में, ये भी सही है, देर आर 2 डिवीजन एंड मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी सही कही जा रही है ऑप्शन, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का है, विच स्टेज, यहाँ पे कहा गया विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज एंड टर्मिनलाइजेशन कैज्मा था। तो टर्मिनलाइजेशन शब्द आएगा तो यहाँ पे आपको डायकाइनेसिस लगाना है, ठीक है। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, आपको ना यहाँ से एक चीज़ पहले देख लेनी चाहिए, जैसे कि साइनेप्सिस है तो जाइगोटिन लगाएंगे, क्रॉसिंग ओवर है तो पैकेटिन लगाएंगे, और होमोलोगस क्रोमोजोम रहे तो डायकाइनेसिस आपको लगाना है, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन भी रहेगा तो आपको डायकाइनेसिस ही लगानी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस मैंने देखे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस मियोसिस इन्वॉल्व इन द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, दिस इज एनाफेज सेकंड, ये 2023 और 21 दोनों में आया हुआ है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के समय में क्या होता है, इन विच स्टेज, मतलब कौन से स्टेज में साइनेप्सिस बनते हैं, तो ये राइट आंसर जाइगोटिन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, डिसोल्यूशंस ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग नीट 2020 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डिप्लोटीन हो जाएगा, क्योंकि डिप्लोटीन में ही साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूशंस होते हैं, मतलब कि वहाँ पे बनने का काम होता है, ठीक है। फिर मैचिंग करना है यहाँ पे, जैसे जाइगोटिन तो जाइगोटिन का साइनेप्सिस हो जाएगा, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, डेप्लोटीन डेप्लोटीन में क्या होगा, कैसमाटा हो जाएगा, और डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन, मतलब 4, 3, 2 and 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कहा जा रहा है मैचिंग करना है, ये नीट 2016 में आया हुआ था। मैचिंग क्या करना है कि पैकेटिन दिया हुआ है तो पैकेटिन का भी हमने जस्ट मैचिंग किया, क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर इज द राइट आंसर। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, मतलब ये सब ऑप्शन जो है वो मैच किए गए हैं, करेक्ट बताना है। तो पैकेटिन में कह रहा है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सही बात है। मेटाफेस वन में टर्मिनलाइजेशन नहीं, ये डायकाइनेसिस में होता है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। अगेन फिर डायकाइनेसिस में यहाँ पे पैकेटिन वाली क्रॉसिंग ओवर कही जा रही है, तो ये भी गलत है। जाइगोटिन में अलाइनमेंट ऑफ द इक्वेटर, ये तो मियोसिस फर्स्ट में होता है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे साइनेप्सिस वाले ऑप्शन को लिख दिया गया है, तो इनकरेक्ट मतलब करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पैकेटिन हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली हमने सारे चैप्टर्स को एक एक करके कवर कर लिया है, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।